स्टार्ट करने वाले हैं कोलकाता के लिए। फर्स्ट लेग एज ऑलवेज वुड बी बनारस और वाराणसी, जैसे भी बोलो। इस बार हम बाइक से नहीं, गाड़ी से जा रहे हैं, बिकॉज इस बार साथ में दीदी है, मम्मी है। इट्स गोना बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। होपफुली एक्सपीरियंस अब अच्छा हो, गाड़ी सही से परफॉर्म करे, मैं परफॉर्म करूँ अच्छे से एज अ ड्राइवर। क्यों कोलकाता जा रहा हूँ और ये सब, ये मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा। दिस इज जस्ट अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो अभी है टाइम 5 बजने वाले हैं, या 5 बज गए शायद से। हाँ, बज गए, 5 बज के समथिंग हो गए, थोड़ा सा लेट हो गए। तो एज अर्ली एज पॉसिबल रेडी होके, बैग्स वैग तो सारे पैक्ड है, और गाड़ी का बेस्ट पार्ट है यू डोंट हैव टू गो इन टू एनी राइडिंग गियर्स, नो हेलमेट और नथिंग। बहुत गर्मी ऑलरेडी है, तो फटाफट से पैक करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और फिर मैं आपको गाड़ी में मिलता हूँ। और गाड़ी में क्या क्या चेंजेस किया है और कैसे मैंने पैक किया, ये भी मैं आपको आगे बताता रहूँगा। चलो लेट्स गो। सो देयर इज़ ब्लू बर्ड, एंड गाड़ी में सारे सामान वामान डल दिए हैं, अभी स्टार्ट करेंगे। मम्मी और दीदी ऊपर से आ रही है अभी, मेरे भांजे ने मेरे को हेल्प किया सेटअप में, इन द सेंस के सामान वामान रखने में। और यहाँ से यात्रा शुरू होगी, और या आई होप इट विल बी ऑल गुड। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अभी मैंने फर्स्ट फ्यूल टॉप अप कर लिया, फुल टैंक कर लिया है, और अभी 2062 रुपये का पेट्रोल आया है। अभी मैंने हाईवे टच नहीं किया, बट कार इज ऑलरेडी गिविंग अ माइलेज ऑफ 17.8 विच इज़ प्रिटी गुड। और देखते हैं यहाँ से चलेंगे, अभी तो हम दिल्ली गाजियाबाद में ही है। अभी हाईवे टच करके उसके बाद होपफुली इट विल इंक्रीज। पे रुके हुए हैं जॉली ग्रैंड करके कुछ एक हाईवे धावा टाइप कुछ है, समवेयर नियर जेवर। और ये रही गाड़ी, गाड़ी इज परफॉर्मिंग एब्सोल्युटली फाइन, एंड दैट्स माय सिस्टर। एनीथिंग यू वांट टू से? वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। मम्मी को भी दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, बट द प्लेस इज नाइस। एंड अभी स्टार्ट करेंगे हम फर्दर ऑन द वे। ठीक ठाक है अभी सो फार, एंड द कार इज रिटर्निंग अमेजिंग माइलेज। इट्स रिटर्निंग अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 23.4 और 5 समथिंग अराउंड दैट, जो कि अब और भी इंक्रीज होंगे होपफुली, बट एसी चलते ही थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्पीड में रख रहा हूँ अराउंड बिटवीन 80 to 90 ऐसा कुछ। स्पीड के साथ दिस इज द माइलेज आई एम गेटिंग, जस्ट टू गिव एन। बोल बे, ये तो उठे आसचे, तुम अकाउंट भी ब्लॉगे आसचो। ना कुछ होना ही होता है मेरे साथ। खैर हमें रेमेडी तो मिल गया, बट हुआ क्या ये भी बता दूँ। गाड़ी का जो TPMS है, वो सामने का राइट हैंड साइड वाला जो टायर है ड्राइवर साइड, उसमें अलर्ट दे रहा था कि लो टायर प्रेशर, जो कि है अभी। तो लोकली तो मैंने ठीक करा लिया, बट फिर से हो रहा था। फिर एक बार और दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि जो TPMS का जो
अलग से जो इंटरनल टीपीएम में है ना, तो उसमें जो सेंसर लगता है उसमें कहीं पर लीक हो रहा है, तो उसमें किसी तरह हमने टायर में हवा डलवा के आगे चल रहे थे कि इसमें से पीछे वाले टायर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टायर है वहाँ से भी अलर्ट आने लगा, टायर प्रेशर ड्रॉप डाउन टू 9। तो अभी उसी का बन रहा है मशरूम पंक्चर, ये है इसका, अभी बन रहा है मशरूम पंक्चर और उसके बाद सामने वाले टायर का। एग्जैक्टली यहीं पे मैंने रुका था जब मैंने 2021 में दिल्ली कोलकाता किया एडवेंचर 250 से, और आज इत्तेफाक से इसी जगह पे वापस आके रुका, और इस बार गाड़ी से ऑब्वियसली। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी हमने लंच वंच कर लिया है, अभी गाड़ी में फुल टैंक कर लेंगे, अभी कितना तेल बचा है, अभी है इतना माइलेज अभी आ रहा है 19.9, क्योंकि बीच में मैंने काफ़ी खींचा, 120 प्लस खींच रहा था मैं। अभी यहाँ से जो हमारा होटल है ट्रीबो द लिटिल बुद्धा करके सारनाथ वाराणसी, दैट इज़ अराउंड 7 hours and some minutes। लेट्स सी, लेट्स रोल। अब मैं वेट कर रहा हूँ मॉम और सिस्टर के लिए, क्योंकि दे हैव गॉन टू द वॉशरूम। और इस बार का ट्रिप जो मैं थोड़ा सा ब्रेक्स ज़्यादा ले रहा हूँ, बिकॉज मम्मी है साथ में, दीदी है साथ में, और इसमें क्या है ना, उनके कंफर्ट के अनुसार मेरे को चलना पड़ रहा है, और गाड़ी का तो है ही। जो चीज़ मेरे को कल परसों में कराना था वो आज करा रहा हूँ, बेटर लेट देन नेवर। अभी इससे पहले टायर में बहुत भुगाया मेरे को, इसका कुछ हवा कुछ लीक हो गया था ऐसा भी, तो अभी फाइनली मैं नाइट्रोजन डलवा रहा हूँ। ये रहा नाइट्रोजन का मशीन, और ये मैं हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में, जो यहाँ पे खाने के लिए रुका था उससे बाद ही। फाइनली हमें ये रूम मिला है, दिस इज होटल ट्रीबो लिटिल बुद्धा करके, इसका डिटेल मैं आपको कल दिन में दिखा दूंगा, बाहर का नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, बट ये होटल व्यू है, काफ़ी नाइस होटल है। हम यहाँ पे पहुँचे ऑलमोस्ट 11:30, अभी 11:30 हो गए, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है अभी, अभी खाना खाएंगे सो जाएंगे, फिर कल यहाँ से धनबाद, परसों धनबाद से कोलकाता।